हेलो, क्या हाल चाल है बच्चा लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्शन में। बेसिकली हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पहले चैप्टर का पहला पार्ट हम लोगों ने निपटा दिया था फर्स्ट लेक्चर में, जिसका नाम था इंट्रोडक्टरी पार्ट और टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में बहुत सारी ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज हमने देखी हैं जिनके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको किताबों में दिख जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसी के बेसिस पे है, टाइप्स ऑफ मटेरियल। मटेरियल को हमने जनरली ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी पढ़ना है, कौन कौन से मटेरियल हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी दो बार मैं बोल दिया, क्यों बोला हूँ, क्योंकि पूरे क्लास 12th के फर्स्ट पार्ट में आपको यही सारी चीज़ें पढ़नी हैं, चार्ज और चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में बात करा था। इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं मटेरियल की कैटेगरी। ठीक है, तो आपको पता है जनरली मटेरियल दो तरह के हमने अभी बताए हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या क्या हैं भैया, क्या है प्रॉपर्टीज कंडक्टर की? तो जनरली जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्या जनरली जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो मटेरियल के अंदर मूवमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना, उसके बेसिस पे मटेरियल को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा, कंडक्टर और इंसुलेटर। इंसुलेटर में ये प्रॉपर्टी नहीं देखने के लिए मिलता, इंसुलेटर में स्टैटिक्स रहता है, यानी कि जो चार्जेज होते हैं जनरली रेस्ट मोड में रहते हैं, उनके अंदर की मूवेबिलिटी बहुत 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 कम होती है। ठीक है ना, तो जनरली हमारा जो आज का लेक्चर है इस पर हम लोग बेसिकली काम करने वाले हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज पे। कंडक्टर क्या है, आपने पहले ही सुना, जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, मोबाइल इलेक्ट्रॉन हो या फ्री इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो भैया, फ्री इलेक्ट्रॉन हो। सर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ये हमने मान लीजिए कंडक्टर बना दिया है, तो कुछ टाइम बाद हमने पूरे बॉडी पे अभी चार्ज दिया था, आफ्टर सम टाइम देखेंगे कि ये जो बॉडी है, हो सकता है बॉडी हम ऐसे एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट ना कर पाए, कोशिश कर रहे हैं कॉपी पेस्ट करने की, बट अगर बन जाए तो ठीक, नहीं तो यही समझ लीजिएगा आप कि वही बॉडी है, बस सर बना नहीं पाए, है ना। ठीक है, चलिए कोशिश करा हमने आइडियली उसको रखने की, लेकिन हो नहीं पाया, है ना। ठीक है, मान लीजिए थोड़ी देर बाद हम देखेंगे जो प्रॉपर्टीज है कंडक्टर की, कि हमने भैया जब पूरे पूरे इंटायर वॉल्यूम पे हमने चार्ज दिया था, थोड़ी देर बाद ये चार्जेस अपने वॉल्यूम के डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़ छोड़ के आउटर सरफेस पे भागने की कोशिश करेंगे, और इस कोशिश में वो कामयाब भी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भैया, इस कोशिश में कामयाब भी हो जाते हैं। जनरली कंडक्टर की ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब भी आप कंडक्टर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कुछ देर बाद ये चार्जेस आउटर सरफेस पे चले जाएंगे, एंड हर एक पॉइंट इस कंडक्टर के सरफेस पे, हर एक पॉइंट जो होता है बेटा, जितने टॉपिक जितने बात मैं इसमें बोलने वाला हूँ, इससे आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन फ्यूचर में बनेंगे। मान लीजिए हमने पॉइंट्स का नाम दे दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। किसी ने बोला भैया ये बताइए, आपने 10 पॉइंट लिख दिए, क्या हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है? तो आंसर क्या है भैया, जी हाँ, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा कंडक्टर के केस में, इक्वल आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस विथ, अगर हम सातवें और आठवें पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, यहां पे बेटा पोटेंशियल एट पॉइंट 7 माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट 8 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इसका मतलब क्या है कि कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस पे हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है सेम होता है, एंड दिस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो सरफेस हो जाता है कंडक्टर का, जो सरफेस होता है जनरली इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है ऐसे सिचुएशन में। तो मुझे क्या क्या समझना है और क्या क्या समझ में आया सर, पहली बात ये समझना है कि कंडक्टर का मतलब होता है जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हो, है ना। और अगर किसी कंडक्टिंग बॉडी पे आपने चार्ज दे दिया है तो थोड़ी देर बाद, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर सम टाइम्स आप देखेंगे कि भैया हर एक पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हो जाएगा। ये पूरा पूरा चार्ज जो इंटरनल बॉडी पे हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था वो कहीं ना कहीं आउटर सरफेस पे
चला जाएगा। दिस इज नोन एज कोरोना डिस्चार्ज, या इसे हाल इफेक्ट या स्किन इफेक्ट भी बोलते हैं साइंस में। ठीक है बच्चों, तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, हमने पहले ही बता दिया, इंसुलेटर ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसकी वजह से चार्ज की मोबिलिटी बहुत 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 कम होती है, जिसे बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर को दूसरे भाषा में आप डाइलेक्ट्रिक्स भी बोल सकते हैं, जो काफ़ी हेल्प करेगा आपको आगे, बहुत सारे जगह पर काम आएगा डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है ना, तो इंसुलेटर क्या होता है भैया, मान लीजिए हमारे पास एक इंसुलेटिंग बॉडी है, आफ्टर सम टाइम्स ये जो चार्जेज होंगे आप जहां बनाए हैं ये यहीं पे मौजूद मिलेंगे आपको। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर, ये आफ्टर सम टाइम्स मूवमेंट परफॉर्म नहीं करेंगे, जहां पे चार्जेज हैं वहीं पे चार्जेज आपको मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये बेसिक डेफिनेशन है टाइप्स ऑफ मटेरियल का, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है टाइप्स ऑफ मटेरियल का कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। जनरली हमें पूरे पूरे फिजिक्स में यही दो बहुत ज़्यादा सताने वाले लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में स्टडी करनी है। आई होप आपको छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।